खबर लालकुआ से आ रही है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग रेंज के अंतर्गत बेखौफ वन तस्कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वन विभाग और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने जंगल वन कर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें रेंजर समेत 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम, एक वन दरोगा, 2 वन रक्षकों को गोली लगी है। फिलहाल घायल वनकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। घटना के बाद से ही पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। अब खबर चकराता से आ रही है, जहां भादो माह में जांगड़ा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसी क्रम में जौनसार पावर में महासू मंदिरों में शुक्रवार से जांगड़ा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में रात में विश्राम कर मन्नतें मांगी। सभी मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, साथ ही निकाली गई। वहीं पर्यटन मंत्री विधायक प्रीतम सिंह ने महासू मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जांगड़ा पर्व को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। चक्राता से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। जागरा पर्व जो है जौनसार बावर हिमाचल और इधर हमारा गढ़वाल से लेके एक साल में आने वाला एक त्योहार है और ये एक ऐसा पवित्र त्योहार है कि इसमें हमारे जो दूर दूर कर्मचारी हैं सब लोग गांव आते हैं। मासूम महाराज का होता है जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका जागरा पर्व होता है और 6 तारीख को हमारे बूढ़े महाराज का होता है और 7 तारीख को हमारा चालदा महाराज का जो है जागरा पर्व है। जागरा पर्व है, देखो जागरा पर्व जौनसार बावर रोवाई जौनपुर का एक आस्था का प्रतीक है और यहाँ पे है कहीं वर्षों से है। जब क्या बोलते हैं, यहाँ हनोल में है जब किरमिरी नामक जो देवीय था उसको समाप्त करने के लिए जब उणा भाट जी जाते तो वहीं से है मासु देवता की उत्पत्ति हुई थी। और इसमें है अभी ही 2 दिन का है ये पर्व होता है। इसमें है माननीय सतपाल महाराज जी ने है हनोल के लिए यात्रियों के लिए बस सेवा भी लगाई है जो कि 2 दिन के लिए फ्री सेवा है। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। इस तरह की ही जो क्या बोलते हैं पहल है वो पूरे ही जौनसार बावर में, जैसे लक्ष्यार हो गया आपका, बिसोई हो गया, थैना हो गया, खाटवा हो गया, कोटवा और हनोल तो खैर अपने आप में है ही, बहुत सारे जैसे जौनसार में कहीं जगह मासू देवता के मंदिर है, हर जगह है ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो है परिवहन चल रहा है, बस सर्विस चल रही है और भक्तों को लाने में सब लगे हुए हैं। मासू महाराज का जागरा हमारी संस्कृति का केंद्र है और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयां। और आज का दिन जो है अवकाश भी घोषित किया गया है। ये जागरा जो पर्व है ये हमने राजकीय पर्व घोषित किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। मासू महाराज की जय।